शुभकामनाएं, और मैं चाहूँगा केवल सौहार्दपूर्ण तरीके से आप ये पर्व मनाया जाए। और इसके साथ साथ मेरी ये भी प्रार्थना है कि इसमें जो ध्वनि प्रदूषण होता है और वायु प्रदूषण होता है उसका हमेशा ख्याल रखा जाए, क्योंकि उसके वजह से कुछ ऐसे वृद्ध पेशेंट होते हैं जिनको परेशानी होती है और अक्सर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप सौहार्दपूर्ण तरीके से सभी लोग दीपावली मनाएं, और दीपावली की पुनः एक बार पूरे नगरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ पेशेंट को संदेश देना चाहेंगे? यही है कि जो पेशेंट जिनको कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है या सांस की कोई दिक्कत है, तो वो इस तरह के प्रदूषण में घर से बाहर ना निकले, क्योंकि जो हम लोग आतिशबाजी और क्रैकर्स यूज़ करते हैं उनमें थोड़ा प्रदूषण तो होता है, और जो आतिशबाजी चलाते हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि उस चीज़ का भी ध्यान रखें।